नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाइट सॉस पास्ता बनाना। इसके लिए ज़रूरी है ये सामान, इसमें टमाटर ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो ही आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले गैस पर हम फ्राई पैन चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ऑयल डालेंगे और पास्ता उबलने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारा पास्ता ऐसा हो जाएगा, यानी ये उबल चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा इसका जो उबला हुआ पानी है वो बचा के रखेंगे जो बाद में काम आएगा। हमारा पास्ता बर्तन में निकल चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जो ठंडा पानी है उसको ऐड ऑन करेंगे, इसके ऊपर डाल लेंगे। हमारी सब्जियां भी कटकर तैयार हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, शिमला मिर्च और गाजर को हमें चॉप करना है, प्याज को थोड़ा बड़ा रखना है, ग्रीन चिली भी चॉप होगी। व्हाइट सॉस पास्ता के लिए सबसे ज़रूरी है वाइट पास्ता ड्रेसिंग, यही वो चीज़ है जिससे हमारे पास्ता का कलर आएगा और स्वाद आएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी कढ़ाई गैस पर चढ़ चुकी है, ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़ीरा की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप जीरा को पसंद करते हैं तो ही आप इसका प्रयोग करें। मैंने इसे सिर्फ ये जानने के लिए प्रयोग किया है कि हमारा ऑयल जो है कितना गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा अब लगभग गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन ऐड हो चुका है, अब हमें इसे फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें लालामी ना आ जाए, यानी रेडनेस ना आ जाए। ध्यान रखिएगा, पास्ता के लिए हमें जो ऑनियन चाहिए उसमें रेडनेस ज़रूरी है, क्योंकि यदि रेडनेस नहीं होगी और ये ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ये जलने की स्थिति में पहुंच जाएगा या कम पका हुआ होगा तो भी स्वाद नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि धीमी आंच पर इसे हल्के से हम चलाते रहें और तब तक चलाएं जब तक ये रेडनेस नहीं पा लेता है। जब इसका कलर रेड होने लगे, यानी लालामी इसमें आने लगे, उसके बाद ही हम इसमें जो अदर्स चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। देखिए, हमारा जो प्याज है वो रेडनेस पकड़ चुका है और अब हम इसमें टोमेटो ऐड करने जा रहे हैं। टोमेटो ऐड हो चुके हैं, इसको हम मिलाएंगे। ज़रूरी ये है पास्ता के लिए कि टोमेटो जो हमारे हैं वो ठीक तरीके से घुल जाएँ, मिल जाएँ। अगर ये अलग से दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट से क्या होगा, जो टोमेटो है वो पानी छोड़ देगा और पानी छोड़ने से ये होगा कि हमारा जो टमाटर और प्याज है वो ठीक तरीके से मिल जाएगा और एक तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये ठीक तरीके से मिल नहीं जाता है। इसके बाद इसमें जो अदर्स चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए, ये पानी छोड़ने लगा है, इसलिए अब हम इसमें ग्रीन चिली भी मिला देंगे। ये देखिए, ग्रीन चिली डाल दिए हैं और अब इसमें गाजर भी मिला देंगे जो हमारे पास पहले से ही कटे हुए रखे हैं। अब बचा है शिमला मिर्च, तो उसके बाद सब्जियों का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए अब हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हमें इसे चलाना है, तो चला के ठीक तरीके से मिला देना है। ये देखिए, ये हमारी जो सब्जियां हैं वो लगभग मिल रही हैं, इसे हमें चलाते रहना है तभी ये ठीक तरीके से, जो ग्रेवी हम तैयार करना चाहते हैं व्हाइट सॉस पास्ता के लिए वो तभी तैयार होगी जब हम इसे मिला देंगे। हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर आप अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें उबला हुआ पानी डालेंगे जो शुरुआत में हमने बचाया था, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें पास्ता मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें, अब इसे हम मिला लेंगे ठीक तरीके से। ग्रेवी हमारी अब लगभग तैयार हो चुकी है, इससे देखिए इसमें हम अब जो हमारी ड्रेसिंग है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी ग्रेवी रंग बदलने लगी है और वाइटनेस पकड़ने लगी है, इससे क्या होगा कि हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है वो वाइट नज़र आएगा। हमने इसमें पास्ता मिला दिया है और अब देखिए इसको चलाना है हमें, इसको तब तक चलाना है जब तक पास्ता में जो हमारी ग्रेवी है वो ठीक तरीके से मिलना चाहिए। देखिए, हमारा पास्ता तैयार हो चुका है, देखकर ही खाने का मन करने लगता है। अब मैं तो इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, आप भी इस रेसिपी का फ़ायदा उठाइए और व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। धन्यवाद।